ये लड़की दिन भर अपने मोबाइल में डूबी रहती है और ये लड़का हमेशा अपने काम में डूबा रहता है। हम ऐसा बोलते हैं अक्सर और आपने सुना भी होगा कि इसमें डूबी रहती है, तुम दिन भर बुक्स में क्यों डूबी रहती हो। तो हम देखेंगे कि आज हम डूबे वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। दिस इज द ट्रेनर साधना एंड वेलकम टू लेटर बेटर। ओके, सो लेट्स सी हम डूबे वर्ड को क्या बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं एंग्रॉस। सो इस वर्ड डूबने को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एंग्रॉस, या पूरी तरह डूबे रहना तो आप बोलेंगे कंप्लीटली एंग्रॉस्ड। अब हम कुछ 5 से 6 सेंटेंस लेंगे और देखेंगे कि आप इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में भी और आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट मिस अ सिंगल सेंटेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है, मैं उसके ख्यालों में पूरी तरह डूब गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन हर थॉट्स। आई वॉज कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन हर थॉट्स। द सेकेंड सेंटेंस इज, ये लड़का दिन भर मोबाइल में डूबा रहता है। दिस बॉय इज एंग्रॉस्ड इन मोबाइल ऑल द टाइम। दिस बॉय इज एंग्रॉस्ड इन मोबाइल ऑल द टाइम। लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस, दैट इज, वो दोनों पूरी तरह चर्चा में डूबे हुए थे, उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो दोनों पूरी तरह चर्चा में डूबे हुए थे, उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इसे आप बोल सकते हैं दे वर कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन देयर डिस्कशन, दे डिन नोटिस मी। दे वर कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन देयर डिस्कशन, दे डिन नोटिस मी। नेक्स्ट वन इज, उस फिल्म को देखने के बाद मैं उसी के ख्यालों में डूबी रही। आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म आई वॉज कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन टू इट। आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म आई वॉज कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन टू इट। अब इसी तरीके से आपके लिए 2 सेंटेंस हैं, तुम तो अपने ही ख्यालों में डूबी रहती हो, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो बुक्स में डूबे रहते हैं। तो इसको आपको एंग्रॉस वर्ड का यूज करके बनाना है इन द कॉमेंट सेक्शंस। डू पार्टिसिपेट, और कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट टू अदर्स। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू आर इन इंस्टाग्राम देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new interesting lesson. Thank you so much.